नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम आपके बेल्ट्रॉन डीओ प्रोफेशन के लिए डेली कंप्यूटर रिलेटिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ये पार्ट नंबर 7 है हमारा। और हम आपको बता दें दोस्तों, हम आज स्पेशल बात करेंगे प्रिंटर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर वाइज हम प्रिंटर के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमने आप लोगों से वादा किया था, तो हम आपको एक वीडियो ऑब्जेक्टिव देंगे, एक वीडियो चैप्टर वाइज देंगे। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर वाइज हम प्रिंटर की बात कर लेते हैं और पीडीएफ पर ले चलते हैं। आपको प्रिंटर की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, फुल एक्सप्लेन देंगे, आप वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, हमने आप एक टेलीग्राम चैनल बनाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहाँ पर हम आपको कंप्यूटर रिलेटिव क्वेश्चंस और कुछ भी क्या है कि न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं, स्टडी मटेरियल आपको देंगे। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग को ज्वाइन कीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए चलते हैं हम पहले पीडीएफ पर, और प्रिंटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम प्रिंटर के पीडीएफ पर आ चुके हैं। और हम आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको इनपुट और आउटपुट वाले डिवाइस के चैप्टर में पहले ही बताया था कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और चलिए जान लेते हैं प्रिंटर के बारे में, आपको डीपली समझाते हैं कि प्रिंटर कितने टाइप का होता है, क्या क्या प्रिंटर्स में क्या बातें होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। प्रिंटर से कहाँ से क्वेश्चंस उठ सकते हैं, तो मेन क्वेश्चंस तो यही हो सकता है दोस्तों कि प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, तो आउटपुट है, और प्रिंटर कितने टाइप का होता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंटर की डिफिनेशन दी गई है। दिया गया है, ए प्रिंटर प्रोड्यूस ए पेपर कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाई ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई या बनाई गई एक पेपर कॉपी होती है, जो कि इन्फॉर्मेशन से भरी होती है। इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है पेपर के रूप में, और ये प्रिंटर प्रोवाइड करता है, ये इसकी डिफिनेशन हुई दोस्तों। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये मेन है, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं ये मेन है। इससे आप क्या है कि प्रिंटर के बारे में कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हमने ग्राफ आपको टेलीग्राम पे पहले भी प्रोवाइड किया था एक, यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले दिया गया प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी तीन टाइप के प्रिंटर होते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, डेजी व्हील प्रिंटर हुआ, चैन हुआ और व्हील हुआ। अब यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में भी तीन टाइप के प्रिंटर होते हैं, इंजेक्ट हुआ, थर्मल हुआ और लेजर हुआ। अब हम आपको बता दें दोस्तों, क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर से, डॉट मैट्रिक्स से पूछे जाते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यहाँ पर देख पा रहे हैं इंजेक्ट, थर्मल और लेजर से पूछे जाते हैं। अब चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर का डिफिनेशन दिया गया है, जो कि प्रिंटर का पहला टाइप है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया कि दीज प्रिंटर हैव ए मशीन दैट टच द पेपर टू क्रिएट ऑन इमेज। ये बता रहा है दोस्तों कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है कैसे पेपर कॉपी को प्रिंट करता है, किस प्रकार से प्रिंट करता है, ये बता रहा है। बता रहा है कि प्रोड्यूस टेस्ट एंड इमेज व्हेन टिनी वायर पिंस। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो पिन लगी होती है, और जो इमेज या टेस्ट जो भी ये प्रिंट करता है वो पिन के अकॉर्डिंग करता है। ऑन प्रिंटेड हेड स्ट्रिक द लिंक रिवन बाई फिजिकली कंटेनिंग द पेपर। यहाँ पर दोस्तों एक रिवन होती है जो कि इंक से भरी होती है, स्याही से भरी होती है, और वो फिजिकली उसको टच करती है, पिन उसके ऊपर गिरती है, उसके बाद क्या कि पेपर प्रिंट होता है, और वो डॉट डॉट करके प्रिंट किया जाता है, ऐसे करके कुछ डॉट डॉट करके प्रिंट होता है। नीचे हम आपको दिखाते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है, इसका क्या है कि डिफरेंट बोला गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कनेक्टिंग द पेपर, ये पेपर से टच होता है फिजिकली, उसके बाद प्रिंट करता है, और जो नॉन इम्पैक्ट होता है विदाउट एक्चुअली स्ट्रिंग द पेपर, ये जो पेपर है पेपर से फिजिकली कनेक्ट नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करता है। अभी यहाँ पर इंक रिबन का यूज किया जाता है, यहाँ पर इंक स्प्रे का यूज किया जाता है, क्वालिटी लोअर है, ये क्वालिटी जो है दोस्तों लेटेस्ट है, हाई क्वालिटी है, अभी भी अभी जो लेटेस्ट है ये अभी चल रहा है, और ये लो स्पीड है, इसकी फास्ट स्पीड है, ये नॉइज़ आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। हालांकि जैसे कि टाइप राइटर आप लोग जानते होंगे, जो पुराना टाइप राइटर होता है ब्लॉक वगैरह में होता है अभी भी, वैसे सेम ये भी काम करता है जो पुराना वाला प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये लो नॉइस आवाज़ कम करता है। ये नॉन कॉमनली यूज है और ये मोस्ट कॉमनली यूज है, यानी कि अब इसका यूज बहुत कम होता है, इसका अब अधिक होने लगा है, तो ये यहाँ पर डिफरेंट बताया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स का, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, अब ये डॉट मैट्रिक्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉट मैट्रिक्स बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि द टर्म्स डॉट मैट्रिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट्स टू फॉर्म एन इमेज। कोई भी इमेज या शब्द कोई भी टाइप करता है, ये तो डॉट डॉट करके टाइप करता है, जैसे कि हमने आपको बताया। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं दिया गया है कि दिस इज़ द चीपेस्ट एंड द मोस्ट नॉइज प्रिंटर। ये बहुत ही
चीपेस्ट यानी सस्ता और द मोस्ट नॉइज़, और ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने वाला हाईज लो प्रिंटर और क्वालिटी और बहुत ही लो क्वालिटी डार्ट मैट्रिक्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो आप लोग देख पा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, और ये 1970 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और यहाँ पर सेंट्रोनिस इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और डॉट मैट्रिक्स वेयर फर्स्ट इंट्रोड्यूस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो डॉट मैट्रिक्स होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि डॉट डॉट करके टाइप करता है, ये आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का ये प्रिंटर प्रिंट करता है। आप लोग देख पा रहे हैं ये जैसे कि डॉट डॉट करके यहाँ पर प्रिंट किया है इसने ऐसे करके, तो ये डॉट डॉट करके ऐसे कुछ प्रिंट करता है, ये टॉपिकली डॉट मैट्रिक्स आउटपुट है इसका। अब नीचे आप लोग देख पा रहे हैं इसका एडवांटेज दिया गया है, और एडवांटेज और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एडवांटेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी कि इसका जो लाभ दिया गया है और डिसएडवांटेज और हानि भी दी गई है। यहाँ पर डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में बताया गया। अब दोस्तों हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पर आ चुके हैं, चलिए ऊपर जाकर ग्राफ में देख लेते हैं डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम ग्राफ में आ गए हैं, डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर में ही आता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं स्टार्ट हुआ है, तो हम कहाँ थे, डेजी व्हील पर थे। तो चलिए डेजी व्हील पर आते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं हम डेजी व्हील पर आ चुके हैं। अब डेजी व्हील किस तरह का काम करता है यहाँ पर बताया गया है। अब हाउ डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स, किस तरह से इस प्रिंटर पर ये वर्क करता है इसके बारे में बताया गया है, और इसकी स्पीड दी गई है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं CPS में, और यहाँ पर इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में बताया गया है। अब इंजेक्ट प्रिंटर हम आ गए हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, आप लोग देख पा रहे हैं हाउ इंजेक्ट प्रिंटर वर्क, कैसे इंजेक्ट प्रिंटर वर्क करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर एडवांचर बताया गया है इसका, फिर थर्मल प्रिंटर दिया गया है, और इन सब प्रिंटर के बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इजी यहाँ पर जो इंग्लिश है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। थर्मल प्रिंटर्स आर इन एक्सपेंसिव प्रिंटर्स मोस्टली यूज इन फैक्स मशीन, या मोस्टली फैक्स मशीन में इसका यूज़ किया जाता है। द थर्मल प्रिंटर्स आर फर्दर क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स के, ये दो टाइप्स के क्या है कि क्लासीफाइड किए गए हैं, पहला इलेक्ट्रो थर्मल है, दूसरा यहाँ पर थर्मल वैक्स है। तो दोस्तों इतना डीपली नहीं पूछे जाने वाला है, केवल आपसे नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट कितने टाइप के होते हैं और इसी के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लेज़र प्रिंटर है, और जो कि ये आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेज़र प्रिंटर यूज़ वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी आउटपुट, लेज़र प्रिंटर्स कैन आल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इमेज। आप लोग देख पा रहे हैं लेज़र प्रिंटर यूज़ वेरी एडवांस्ड, बहुत ही लाभदायक है टेक्नोलॉजी वाला, एंड प्रोड्यूस ए हाई क्वालिटी आउटपुट, ए हाई क्वालिटी में एक आउटपुट देता है, मतलब जो ये रिजल्ट देता है कॉपी देता है बहुत ही बढ़िया होती है। लेज़र प्रिंटर कैन आल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इमेज, जो इसके इमेजेस प्रिंट करता है ये बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, और इसका जो रिजोल्यूशन आप लोग देख पा रहे हैं 600 to 1200 DPI दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। और हमने आपको पीछे चलकर DPI CPS सबका फुल फॉर्म वहाँ पर बताया था कि प्रिंटर की स्पीड क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, हमने आपको पिछले वीडियो में इसके बताया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में जो प्लॉटर दिया गया है, प्लॉटर ये लार्ज स्केल प्रिंटर, जो कि ये लार्ज स्केल प्रिंटर पोस्टर वगैरह जो ये प्रिंट करता है उसका है, लार्ज स्केल लंबा प्रिंटर होता है। इज इज़ वेरी एक्यूरेट इन प्रोड्यूसिंग इंजीनियरिंग ड्राइविंग एंड एक्चुअली ब्लू प्रिंट, आप लोग देख पा रहे हैं इसका जो इंजीनियरिंग ड्राइविंग होता है उसमें काम आता है, या फिर जो ब्लू प्रिंट निकाला जाता है उसमें काम आ जाता है। टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर, ये दो टाइप के होते हैं आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसका टाइप दिया गया है फ्लैट बेड एंड ड्रम, ये दो टाइप्स के इसके प्रिंटर्स होते हैं। आप फ्लैट बेड प्लॉटर्स आर हॉर्जेंटली, आप लोग देख पा रहे हैं हॉर्जेंटली एलाइज व्हील ड्रम, और प्लेटर्स आर वर्टिकली, जो ये फ्लैट बेड होता है हॉर्जेंटली वर्क करता है, और जो प्लेट और यहाँ पर ड्रम है वो वर्टिकली क्या है कि वर्क करता है। प्रिंटर्स फॉर डिफरेंट यूजर, यहाँ पर डिफरेंट यूजर के बारे में बताया गया, प्रिंटर्स फॉर होम यूजर्स और यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम ऑफिस। तो आप लोगों का मेन क्या फोकस होगा, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं और इनका यूज जो होता है कैसे वर्क करता है उस पर आपको मेन फोकस करना है, और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मेन है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो ग्राफ है, आप लोग देख पा रहे हैं उस ग्राफ को अगर आप याद रखेंगे तो आप इस ग्राफ को अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी प्रिंटर्स के बारे में नहीं पूछ सकते, जो भी क्वेश्चंस आपसे उठेंगे आप लोग उसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और भी इसी तरह कंप्यूटर क्वेश्चन पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगा, आप PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।